हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार ऑटो। सो न्यू स्कॉर्पियो के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, लेकिन ये थोड़ी छोटी है और कहीं ना कहीं महिंद्रा का ये काफ़ी स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि किसी को ज़्यादा लग्जरी कार चाहिए तो वो XUV 700 को ले सकता है। उसके अंदर आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है, और जिन लोगों को बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग कार चाहिए वो स्कॉर्पियो ले सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी का लॉन्च पहले किया जा रहा था 2020 के अंदर, लेकिन 2020 में ना होकर 2021 में हो गया। अब इसका लॉन्च 2022 में स्टार्टिंग में किया जाएगा। महिंद्रा स्कॉर्पियो एक टाइम पे इंडिया की सबसे फेमस SUV थी, और जो इसका सेल्स फिगर है वो भी काफ़ी कम होता जा रहा था। तो महिंद्रा ने सोचा कि इस गाड़ी को कुछ अपडेट कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईटेक होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि महिंद्रा स्कॉर्पियो को ग्लोबल NCAP में 5 में से 0 स्टार मिले थे, लेकिन महिंद्रा अपनी नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को फुल लोडेड सेफ्टी फीचर के साथ लॉन्च करने वाला है। जब महिंद्रा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन थार को लॉन्च किया था, तब ग्लोबल NCAP में महिंद्रा की थार को 5 में से 4 स्टार मिले थे, लेकिन महिंद्रा अपनी नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो लॉन्च करने वाला है जो बिल्कुल XUV 700 के जैसी होने वाली है। बिल्कुल ही फुल्ली हाईटेक तरीके से इसे फीचर मिलने वाले हैं आपको। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। 5 ऐसी बातें जो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो को अलग बनाती हैं पुरानी स्कॉर्पियो से। लेकिन महिंद्रा ने अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली है कि हम अपनी गाड़ी को फुल्ली हाईटेक फीचर से लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी किसी भी गाड़ी से परफॉर्म कर सके हर किसी सेगमेंट में, चाहे वो किया की सेल्टोस हो, MG हेक्टर हो या टाटा की सफारी हो। क्योंकि महिंद्रा अपनी गाड़ी में 4x4 जरूर ऑफर करेगा, वो SUV ही क्या जिसके अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन ही ना मिले। अब पहले पॉइंट की बात कर लें तो वो है इसका इंजन। न्यू स्कॉर्पियो के अंदर आपको दोनों ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल इंजन आपको 2.0 लीटर का M Stallion TGDI इंजन देखने को मिलेगा, जो लगभग 170 BHP पावर प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा है 2.2 लीटर का MHawk 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन, जो लगभग 150 BHP की पावर प्रोड्यूस करके देगा। यह दोनों ही इंजन आपको 6-speed ऑटोमेटिक और 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेंगे। और इन दोनों ही इंजन में आपको 4x4 का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है इस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और नेक्स्ट जनरेशन हुंडई की अलगजार में आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं महिंद्रा के लिए एक प्लस है कि इन तीनों गाड़ियों में आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिल पाता, लेकिन महिंद्रा अपनी गाड़ियों में 4x4 का ऑप्शन जरूर देगा। और न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको एक सनरूफ भी देखने को मिल सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो अब एक ब्रांड बन चुका है। और इतने ज़्यादा हाईटेक फीचर्स लॉन्च होने के बाद कई सारी गाड़ियों की सेल्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। जब महिंद्रा स्कॉर्पियो को 2002 के बाद लॉन्च किया गया था, उसके बाद से महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको किसी भी तरीके से कोई इतने हाईटेक फीचर के साथ बदलाव नहीं किए गए थे। अब दूसरे पॉइंट्स की बात कर लें, वो है सेफ्टी। इस गाड़ी में आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे हर किसी वेरिएंट में। यह गाड़ी ज़्यादा रिलायबल बन सके, इसलिए इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो रिवॉल्व्ड लेडर फ्रेम चेसी पर बनाई जाएगी, जिसकी वजह से न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और चौड़ी होगी। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है इसका इंटीरियर। इसके इंटीरियर में आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। इसके अंदर 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिस्टम, इसके अंदर वर्टिकली हॉरिजॉन्टल रियर AC वेंट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और इसके अंदर मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील, थर्ड रो फ्रंट फेसिंग सीट, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और इसके अंदर आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर सीट्स, और इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल सकती है। न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। अगर फोर्थ पॉइंट्स की बात करें तो वो है उसका एक्सटीरियर। इसके एक्सटीरियर में काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके एक्सटीरियर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। अगर हम कुछ स्पाइस शॉट्स को देखें तो इसके अंदर आपको लॉन्ग बम्पर, लॉन्ग बोनट और लार्ज बम्पर देखने को मिलेगा डिजाइन के साथ। इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्रिल देखी दी गई है, और इसके अलावा इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट विथ LED DRLs एंड LED टेल लैंप्स और 4 डिस्क ब्रेक के साथ
दिया गया है सब कुछ। और न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो को सिटी में हाईवे पर और हाई स्पीड पर टेस्टिंग करते देखा गया है, और एक्सट्रीम वेदर में भी टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, क्योंकि यह गाड़ी ज़्यादा रिलायबल बन सके इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। और इसके लास्ट पॉइंट्स की बात करें कि इसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख से स्टार्ट होकर 19 लाख रुपीज तक हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही।